तो स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। और अभी ज़रा नीचे आए हैं और सोच रहे हैं ज़रा आज थोड़ा वॉक या रनिंग टाइप की करते हैं, और पहले थोड़ा वर्कआउट का काम अपना हो जाएगा तो पहले थोड़ा घूमते हैं। और ये माहौल देखो भाई, थोड़ी ठंड तो हो रही है। ये देखो भाई, एकदम बढ़िया पत्ते वत्ते लगे हुए हैं, और ये अपना अभी तो इतने वाहन नहीं दिख रहे सड़क पर, लेकिन हाँ थोड़ा सा अभी रनिंग करेंगे ज़रा, और अपना थोड़ा वर्कआउट का काम जैसा बताया ट्राई करेंगे करने का, तो करते हैं। और इधर देखो भाई क्या व्यू आ रहा है, बढ़िया एकदम। तो भाई अभी वॉक तो कर रहे हैं, पर यहाँ का नज़ारा देखो यार क्या बढ़िया। यहाँ से जो बादलों के बीच से आ रहा है ना सनलाइट, ये दिखाता हूँ। ये देखो भाई इधर क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है यार एकदम। यहाँ पर ट्रैम लाइन्स बनी हुई हैं और काफ़ी सुंदर एकदम, मतलब वॉक करने के लिए बहुत ही बढ़िया माहौल। और यहाँ देखो भाई, अब चलते हैं थोड़ा इस साइड, और देखो इस साइड अगर सीधा चलते रहे तो यहाँ बढ़िया एकदम पहाड़ का नज़ारा और बादल दिख रहे हैं। तो देखो इस साइड बढ़िया पहाड़ का नज़ारा और बादल दिख रहे हैं, और देखो ऐसी ट्रैम भी आती हुई अपनी मस्त एकदम व्यू। और देखो अभी इधर का एक बढ़िया और नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे आए हम इस रोड पे, और सामने देखो भाई क्या बढ़िया व्यू पहाड़, और एकदम अभी इस टाइम बादलों में ढका हुआ, बहुत ही सुंदर। तो बस यही नज़ारा देखते हो, अभी थोड़ा वॉक की इस रोड पे भी थोड़ा चले, लेकिन ठंड भी हो रहा है थोड़ा, तो अब वापस चलते हैं यार ज़रा अंदर। तो भाई अपना मॉर्निंग वॉक की है, उसका तैयार वैयार हुए, अभी दिख ही रहा होगा जैसे कि हम अभी भाई बढ़िया धूप निकली और क्या मस्त ट्रैम में बैठे हैं। और अभी भैया के साथ गए थे, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी उठाई, कॉफ़ी पिए ब्लैक कॉफ़ी, और भाई नज़ारा देखो यहाँ मस्त ट्रैम पे बैठे हैं और तगड़ी धूप पड़ रही है। और थोड़ा भी निकले हैं अपना बानोफ तक, रेलवे स्टेशन है बानोफ स्ट्रासा करके, वहाँ तक जाएंगे तो रास्ता भी दिखाते हैं थोड़ा, और जब पहुँचेंगे तो वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। और ठंड जो है ना यहाँ थोड़ी बढ़ चुकी है भाई इसलिए थोड़ा लेयरिंग वेयरिंग किए हैं। ये देखो भाई एकदम तगड़ा ट्रैम का रास्ता है, पूरे शहर से गुजरते हुए हम अभी ट्रैम से जा रहे हैं। यहाँ पर जो कूप स्टोर है ये भी मतलब यहाँ का थोड़ा लिडिल टाइप का है, मतलब यहाँ सुपर मार्केट टाइप है, तो इसमें सामान मिल जाता है हर टाइप का। और ये देखो अभी थोड़ा अंडरपास के अंदर है, और यहाँ से निकलेंगे बाहर और शहर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि पूरा शहर ही है पर मस्त है भाई। तो बढ़िया ट्रेन में बैठे रहो, जैसे गाड़ियाँ पैडली भी चलती रहती हैं, और बढ़िया आनंद लेते रहो। और भाई लेकिन टेम्परेचर का जो बढ़िया चेंज आया ना वो तो आ ही गया है मस्त एकदम, पर बढ़िया लग रहा है ऐसे नज़ारा देखते देखते। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ लिखा है मोमोज की दुकान, और यहाँ का मॉल टाइप का यहाँ पे सील सिटी करके जो लिखा है। तो अभी ना ट्रेन में बैठे हैं, और अभी जब बानोफ स्ट्रासा पहुँचेंगे या जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का मंजर दिखाएंगे। अभी पहुँच जाते हैं। तो भाई अपना ट्रेन से तो उतर गए और यहाँ बानोफ स्ट्रासा आ चुके हैं। यही अपने सामने जो है यही अपना हॉप बानोफ है ज़रा, यहाँ पर बढ़िया चलते हैं। तो भाई यहाँ पे अपना सैंडविच पैक करा के रेलवे स्टेशन से ऊपर आ चुके हैं, तो बस इसे निपटा लेते हैं पहले। बढ़िया ये पैक करा के लाए हैं अभी, तो इसे खाते हैं मस्त। तो थोड़ा अभी हम यहाँ अपना खाए हैं, चल चल के आए हैं, और अभी यहाँ का जो नज़ारा है ना वो दिखाते हैं भाई। जस्ट मेरे राइट साइड में क्या है ये देखो भाई, मस्त रिवर एकदम यहाँ की, बहुत ही प्यारा नज़ारा। लोग भी थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, और यहाँ पर भी ब्रिज है, ब्रिज पर ही खड़े हैं अभी हम। और बढ़िया क्या मस्त। तो भाई अपना इस ब्रिज पे फ़ोटो वगैरह खींच के, जो ब्रिज दिख रहा है थोड़ा चल चुके हैं साइड साइड में धीरे वॉक करते हुए। तो बढ़िया मंजर है, ऐसे रिवर के किनारे चलते रहो, अपना सुबह जो सैंडविच खाए बढ़िया था, और ऐसे चलते रहो भाई नज़ारा देखते रहो मस्त रिवर का, थोड़ा फ़ोटो वोटो भी खींचे, और अब वॉक करते हैं और आगे। ये देखो भाई यहाँ अपना दूसरे ब्रिज के पास भी आ गए, और आगे चलते जा रहे हैं मस्त यहाँ नज़ारा। और ये अपना क्लॉक टावर भी दिख रहा है बढ़िया एकदम, ये यहाँ पे स्टॉप का नाम है अपने, मस्त मौसम हो रहा है एकदम। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट अपना क्लॉक टावर के सामने अभी खड़े हैं, और यहाँ से व्यू देखो भाई मस्त, बहुत ही सुंदर क्या पहाड़ का व्यू और क्लाउड्स दिख रहे हैं भाई एकदम मस्त। ये देखो भाई नज़ारा देखते हो, यहाँ पे मस्त बबल्स भी दिख रहे हैं बढ़िया। नज़ारा थोड़ा और आगे आ चुके हैं, ये अपना ब्रिज के पास बढ़िया व्यू, ये देखो भाई, ये देखो भाई यहाँ का नज़ारा बढ़िया,
ये अपना वॉच टावर और यहाँ पे भाई भाई अपने ब्रिज पे घूम रहे हैं। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, एकदम मस्त बादल वगैरह दिखते हुए एकदम सुंदर, बढ़िया पूरे सिटी का मैप यहाँ पे दिख रहा है, लगा हुआ है अलग अलग ब्रिजेस और रिवर भी मस्त यहीं पे। ये देखो भाई थोड़ा पास से दिखाते हैं, पूरा मैक्रो करके मस्त मैक्रो जूम में पूरा मैप बढ़िया। तो भाई पीछे अपने ब्रिजेस वगैरह साइड में स्ट्रॉल जैसे कहते हैं वो वॉक करते हुए पूरा यहाँ है, और यहाँ सामने जो पीछे से भी नज़ारा दिख रहा है वो यहाँ से भी दिख रहा है। भाई दिखाते हैं ज़रा, कैमरा का रुख बदलते हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, काले बादल भी और एकदम क्लैरिटी अलग ही लेवल की। ये देखो भाई यहाँ से हम आए थे, अभी तो ट्रैम बसेस वगैरह गुजर रही है, और हम मैं यहाँ आगे चल के थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं। ये देखो भाई मस्त एकदम, वाह। तो इधर आके देखो तो जैसे यहाँ ब्रेड क्रम्स थोड़े डालते हुए मस्त, कितने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे मस्त भाई, और ये नज़ारा देखो एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, वाह। और ये हम यहीं पे ही हैं, यहाँ हमारे पीछे पूरा जिस रूट से हम आए थे उधर ब्रिजेस क्रॉस करते हुए वो था, और यहाँ पे ये नज़ारा भाई एकदम मस्त। ये देखो तो भाई वहाँ से हम देख के आए थे, और यहाँ पे देखो भाई क्या बढ़िया स्टैचू ऐसे बना हुआ है यहाँ पे मस्त एकदम, इसके साथ यही नज़ारा देखते रहो भाई एकदम सुंदर। ये देखो सामने क्रूज भी दिख रहा है जाता हुआ, और यहाँ जो दूर बादल है ना इनमें देखो आगे आई थिंक रेन भी हो रही है उस साइड पूरी, इतने थोड़े काले काले बादल और बारिश हो रही है एकदम आगे पहाड़ों। ये भाई बढ़िया फ्लैग और यहाँ बढ़िया नज़ारा दिखता हुआ, और चलते हैं हम अपना थोड़ा और आगे। तो ये लिया है अभी, तो फिर ट्रैम तो फाइनली आ चुकी है बानोस्ट्रा से, और ट्रैम से तो अपना उतर चुके हैं। तो भाई जो रिवर वाली जगह थी ना जो पूरा दिखाया जहाँ खड़े थे, वहाँ से अगर बानोस्ट्रा से हम जैसे वापस आए तो ट्रैम नंबर 11 से वापस आ गए वहाँ से पकड़ के, और फिर बानोस्ट्रासा पे वो जो थोड़ा कुछ खाया, और फिर वहाँ से जो ट्रैम देखी होगी जाते वक्त, तो फिर उतरते वक्त वो अपनी ट्रैम नंबर 13 है जिससे हम अपनी लोकेशन पे आ गए। और इस समय ना अभी हम एक जगह जिम आए हुए हैं, हमने सोचा भाई थोड़ा अगर आज मौका ऐसा बना है कि जिम आने का मौका मिला है, तो अभी थोड़ा ना अपना वर्कआउट करने का चांस मिल गया है, सुबह रनिंग भी थोड़ी हो गई थी, और यहाँ पे वर्कआउट करने आए हैं, और फिर वो करते हैं और फिर बात करते हैं। लेकिन भाई देखा होगा मस्त नज़ारा था एकदम, सुबह जो हम रिवर के साइड साइड चलते रहे और एंड तक वहाँ पहुँच गए थे, और फिर वहाँ से भी जैसा बताया ट्रैम नंबर 11 पकड़ के आए और बानोस्ट्रासा पे आए, और नीचे जाके कुछ खाया, और फिर वापस अपनी लोकेशन पे आ गए, अभी वर्कआउट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आए अभी वर्कआउट करने, और बस अभी वर्कआउट चल ही रहा है अपना। तो भाई वर्कआउट करके आए थे, और अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट टाइप का था वहाँ, कुछ ठीक ठाक समय बाद कुछ खाने गए और वापस आए, और फिर भाई रेस्ट ही किया। पर आई होप कल जो सिटी टूर था थोड़ा आसपास की एरिया थी, ट्रैम्स के बारे में नंबर कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी, और यही था कल के ब्लॉग के लिए। और अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है, कल वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और क्योंकि आके थोड़ा रेस्ट कर लिए थे, और बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। तो बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो और अगला व्लॉग शुरू करते हैं।